अगर आप ट्रेडिंग करते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको भी यही सब कुछ होने वाला है जो आज की वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो हम चाहते हैं कि आप प्रॉपर पहले ट्रेडिंग सीखें, उसके बाद जो है आप जीतें। तो यहां पे गाइज मैं आप लोगों को जो है स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, आज न्यूज थी CPI की। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाइम मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो 5:59:26 हो रही है। यहाँ पे मैंने 400 रुपीज़ जो है इन्वेस्ट किए हैं, आप लोग देख सकते हैं 400 रुपीज़ जो है मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो ये देखिए कैंडल्स किस तरीके से एकदम डाउन आया। तो यहाँ पे हमें ये जानकारी मिली कि यहाँ से 85% जो है कैंडल्स डाउन की तरफ जा सकता है, क्योंकि एकदम से जो है देखने को मिला और पहले कैंडल जो है ये रेड भी था। लेकिन जैसे ही हमने 400 रुपीज़ की ट्रेडिंग की, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे जो है मार्केट एकदम से जो है ऊपर की तरफ चली गई। और ये अभी फ़िलहाल जो है 6 बजे हैं, देखिए एकदम से यहाँ पे जो है मार्केट ने चेंजिंग की और एकदम से बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से 400 की बजाय जो है हम यहाँ पे 1600 रुपीज़ की एक ट्रेडिंग करेंगे और ये ट्रेडिंग करेंगे गाइज हम डाउन की तरफ, ठीक है। तो हम यहाँ पर डाउन की तरफ एक ट्रेडिंग कर लेते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर फिर से जो है कैंडल्स एक बहुत बड़ा कैंडल्स जा रहा है। मैं अपनी वैसे काफी वीडियो में बोलता हूं कि कभी भी मार्केट के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कैंडल्स को देखते हुए कि ये कैंडल जो है बेक मार सकता है। तो उस चीज को जो है ध्यान में रखते हुए मैंने ट्रेडिंग की और दोनों ट्रेड जो है मेरी लॉस हो गई। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जब भी आप ट्रेडिंग करें तो सोचकर समझकर पूरी मार्केट को देख के जब ही जो है ट्रेडिंग करें। यहां पर गाइज अगर आप देखेंगे मेरा फाइनली जो है यहां पर 1600 रुपीज़ का और जो है 400 रुपीज़ का सीधा सीधा 2000 रुपीज़ का जो है लॉस हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे 4000 रुपीज़ की ट्रेडिंग लगा दी है और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से जो है यहाँ पे अभी कैंडल्स अगर आप देखेंगे रेड जो है बन रहा है, फिर से जो है ग्रीन बन गया है, तो ये 4000 रुपीज़ की ट्रेडिंग भी मेरी यहाँ पर लॉस हो सकती है गाइज मैं आपको बता दूँ। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है मार्केट का, इस तरीके से ध्यान रखना है कि भाई मार्केट किस तरीके से चल रही है। वैसे इसका जो है हमने लॉस रिकवर करवा दिया था अपने VIP ग्रुप के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसको जो है हमने बाद में जो है इसको जो है बैक किया है। जो मार्केट जितनी ऊपर चढ़ती है उतनी गिरती भी है, लेकिन उससे पहले पहले ऐसा ना हो कि आपका अमाउंट जो है ज्यादा लॉस हो जाए और आपके अकाउंट में अमाउंट ही ना बचे। तो फाइनली जो है मेरा यहां पे ये भी जो है लॉस हो चुका है। तो सीधा सीधा 6000 रुपीज़ का जो है मुझे यहां पर लॉस हुआ है, लेकिन इस लॉस को हमने रिकवर किया है, प्लस जो है बेनिफिट में गए हैं क्योंकि हमारे पास इतना अमाउंट था कि हमने लॉस जो है अपना रिकवर करके प्लस जो है प्रॉफिट में चले गए। तो आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे गाइस, जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे ना तो आपको मार्केट के खिलाफ ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है, और आपने एक गोल जो सिलेक्ट कर लिया है उससे ज्यादा आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। जैसा कि मैंने आज गोल सिलेक्ट कर लिया था 6000 रुपीज़ का जो है मुझे लॉस करना है या जो है 5 से 4000 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट करना है, तो वो प्रॉफिट तो नहीं हो पाया लेकिन 6000 रुपीज़ का जो है मेरा लॉस हो गया। गाइस कभी भी आप ट्रेडिंग करें ना, गोल से ना तो ज्यादा करें ना कम करें। अगर आप गोल कर लेते हो तो उसके बाद चाहे आपका लॉस हो चाहे आप प्रॉफिट हो, आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। बाकी गाइज हम आपको ट्रेडिंग सिखाते हैं बिल्कुल फ्री में। गाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे से फ्री कोर्स, फ्री सिग्नल, फ्री एडवाइस ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और हमारे नाम के बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं तो आप उनसे सावधान रहें, हम हर एक चीज फ्री में देते हैं, आपसे कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। अगर आपसे कोई भी पैसा मांगता है तो वो फ्रॉड है, ठीक है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, हमारे टेलीग्राम में जुड़े, सारे बेनिफिट जो आपको फ्री में मिले।